हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये आपका ज्योग्राफी सीरीज का 7th पार्ट है। इससे पहले 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आपका 182 क्वेश्चंस है, इससे पहले 181 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व की सर्वाधिक बड़ी नहर कौन सी है। ऑप्शन आपके पास पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर, कील नहर। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि विश्व की सर्वाधिक बड़ी नहर कौन सी है, स्वेज नहर है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बैकाल झील, कैस्पियन झील, सुपीरियर झील, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी कैस्पियन झील, सॉरी कैस्पियन सागर। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है आपकी सुपीरियर झील। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सुपीरियर झील, बैकाल झील, कैस्पियन सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो बैकाल झील है वो विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। हीराकुंड बांध जो कि भारत में है, जिनपिंग बांध जो कि चीन में है, भाखड़ा बांध जो कि भारत में है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनपिंग बांध, जो कि आपका चीन में है। ये सबसे विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पंपास घास के मैदान कहाँ है, यानी जो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, या उत्तरी अमेरिका में। तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अर्जेंटीना, जो पंपास घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं। पंपास, स्टेपी, प्रेयरी, या डाउन्स। तो आपको इसमें से सही बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ जो आपका डी ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है उसे हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.42%, 2.84%, 3.22%, या 4.52%। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो ए ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। छठा स्थान है, सातवां स्थान है, आठवां स्थान है, या नवां स्थान है। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, सातवां स्थान है, और पहला स्थान है चीन का। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई टोटल कितनी है। ऑप्शन आपके पास 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, या 17320 किलोमीटर। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है वो है 15200 किलोमीटर। यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6700 किलोमीटर, ये 7516.5 किलोमीटर। तो राइट ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें जो डी ऑप्शन वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की जो लंबाई है वो है आपकी 7516.5 किलोमीटर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 7,
आठ, नौ या दस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, भारतीय मानक समय अलग होता है, ग्रीनविच समय अलग होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, साढ़े पांच घंटे का यानी माइनस साढ़े पांच घंटे का, छह घंटे का या माइनस छह घंटे का। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो ग्रीनविच समय है वो भारतीय मानक समय से साढ़े पांच घंटा ज्यादा है, यानी दोनों में अंतर साढ़े पांच घंटे का है। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय आधारित है, यानी भारतीय मानक समय जो है वो किस पर आधारित है। 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। दो ऑप्शन आपके नहीं दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन बताइए अगर आपको पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें मेंशन नहीं है, यानी यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ सिर्फ दो ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका मैं आपको कमेंट करके आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है, यानी जो भारतीय राज्य है ये जो चार दिए हुए इनमें से किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या गुजरात, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जो डी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो गुजरात है उसकी सबसे लंबी तटरेखा है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ना कि आपसे पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछ रहा है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, यानी भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है वो समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। 12 मील, 24 मील, 36 मील या 112 मील। तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि कितनी दूरी पर है, 12 मील की दूरी तक है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, यानी चार राज्य दिए गए हैं जिनमें से तीन राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसमें जहां से कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती, उसी राज्य का आपका नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड या मिजोरम। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। जो आपकी कर्क रेखा है वो उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती, बल्कि त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के बिहाफ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, केरल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत का दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डंकन पास कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो डंकन पास है वो आपका दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में स्थित है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मृदा निक्षेपण से, ज्वालामुखी उत्पत्ति से, प्रवाल उत्पत्ति से या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा कि जो आपके लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं, बैरन एवं नारकोंडम, कवारत्ती एवं न्यूमूर, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार या पंबन एवं बैरन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ जो ए ऑप्शन वो सही हो जाएगा कि भारतीय क्षेत्र में स्थित जो दो ज्वालामुखी द्वीप है वह है आपके बैरन एवं नारकोंडम। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड का विस्तार है कहाँ तक है? 120 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील तक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो बी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है वो 200 समुद्री मील तक है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाटवे नास्टी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ जो आपका ए ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है आपका गाडविन आस्टिन। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? यहाँ आपसे पूछा जा रहा था कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है वो किस राज्य में स्थित है? असम में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आपकी सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी चार ऑप्शन आपका चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से जो तीन ऑप्शन है वो आपका करेक्ट मैच है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट मैच नहीं है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या है, इधर एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका स्थान पूछा गया है, तो आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत मैच है। तो यहाँ दिया हुआ है कि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है, जो जोजिला दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में ही है। बारा लाचला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ये भी एकदम सही है। त्रिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है, ये भी एकदम सही है, लेकिन बोमडिला दर्रा जो है वो सिक्किम में नहीं है, यानी कि ये करेक्ट मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? वाल्टोरो, सियाचिन, फेडसिंको या हिस्पार? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हिमालय पर्वत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है आपका सियाचिन। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि असम हिमालय का विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, यानी असम हिमालय का विस्तार आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास सतलज व काली नदी के बीच, काली व तिस्ता नदी के बीच, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो सी ऑप्शन वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो असम हिमालय का विस्तार है वो तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है, यानी हिमालय में जो हिमरेखा है वो कितने मीटर से कितने मीटर तक होती है? 5400 से 6000 मीटर, 5000 से 7200 मीटर, 5000 से 6500 मीटर या 4500 से 6000 मीटर? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हिमालय में जो हिमरेखा है वो 4500 से 6000 मीटर के मध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? ऑप्शन आपके पास K2 या गाडविन आस्टिन भी कहते हैं इसे, कंचनजंगा, नंदा देवी या धौलागिरी? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि संसार की यानी जो K2 यानी गाडविन आस्टिन चोटी है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? हिमालय, अरावली, नीलगिरी या सतपुड़ा? तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है आपकी वो सबसे पुरानी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला इन चारों में से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? नीलगिरी, कंचनजंगा, अरावली या अनाईमुदी? तो यहाँ जो सी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा कि जो अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। तो सी ऑप्शन एकदम
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लॉक पर्वत का एग्जांपल कौन सा है, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा या ये सभी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी। जो नीलगिरी पर्वत है वो आपका ब्लॉक पर्वत का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे कहाँ स्थित हैं, कराकोरम श्रेणी में, विध्याचल श्रेणी में, हिमालय श्रेणी में या पश्चिमी घाट में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट, ये क्या है, ये दर्रे हैं, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि इन चारों में से भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है, गंगा नदी है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है अलकनंदा और भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती है, यानी जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है वो किस स्थान पर आपस में मिलती है और उसके बाद उन्हें गंगा नदी का नाम मिलता है। तो वो स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, टिहरी या केदारनाथ। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देवप्रयाग। जो अलकनंदा और भागीरथी नदियां हैं वो आपस में देवप्रयाग में मिलती हैं और उसके बाद उन्हें गंगा नदी का नाम मिल जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, यानी सोन नदी जो है उसका उद्गम स्थान कहाँ है, शेषनाग झील से, नेपाल से, अमरकंटक पहाड़ी से या कैमूर पहाड़ी से। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगी कि सोन नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी क्या है, सोन नदी का उद्गम स्थान है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, यानी जो तिब्बत में मानसरोवर झील है वो किस नदी का उद्गम स्रोत है, सिंधु नदी का, सतलज नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का या ये सभी, यानी इन सभी नदियों का उद्गम स्थान है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इन सभी नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, ये सभी मानसरोवर झील से निकलती है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। कुख्यात मतलब कि लोग अच्छे नाम से नहीं जानते तो उसे हम कहते हैं कुख्यात। यहाँ पूछ रहा है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। ऑप्शन आपके पास नर्मदा, यमुना, कोसी या सोन। तो यहाँ आपका कोसी नदी सही हो जाएगा कि कौन जो कोसी नदी है वो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और इसे बिहार का सोप भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदलती है, इस वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ की संभावनाएं बन जाती हैं और बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का सोप किस नदी को कहते हैं तो यहाँ कोसी नदी सही हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ स्थित है, सिंधु नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में या यमुना नदी में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली वो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। तो इस वीडियो में हमने टोटल 32 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये आपका 7th पार्ट है किसका, जियोग्राफी सीरीज का। कंप्लीट सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।